सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरा थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज ना ही मैं कोई ड्राइंग ना ही कोई स्केच, तो आज मैं कोई आर्ट से रिलेटेड चीज़ बना ही नहीं रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने वैष्णो देवी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपनी जर्नी दिखा देती हूँ। तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अभी मैं दिखाती हूँ, मेरी मम्मी अभी खाना बना रही हैं वैष्णो देवी के लिए, जो हम ट्रेन में खाएंगे। ये कि मम्मी ट्रेन में कई सारी डिशें खानी है, इसलिए मैं बना रही हूँ। अभी भिंडी बना रही हूँ, उसके बाद फिर आलू की भुजिया बनाऊंगी। तो खाना भी बन ही जाएगा, मम्मी बना ही रही हैं। फिर बाद में हम लोग मामा के यहाँ जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। और फिर बाद में वहाँ से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है, अपने साथ मैं आपको भी वैष्णो देवी के दर्शन करवा ही दूंगी। ये खाना मंगाया हमने ऑर्डर करके, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी, मजा आया। ठीक है, पेट भर के खाना तो खा लिया है, सब कुछ हो गया है। बस थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद हम अपने मामा के घर में जाएंगे। तो हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया है, हमारी पैकिंग भी हो चुकी है सारी। बस अब हम जा रहे हैं अभी मामा के यहाँ पे, फिर मामा के यहाँ से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। तो बने रहिए, अगर फिर से बता रही हूँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, देख सकते हो एक एक निगाह हम मेरे परिवार के ऊपर भी। पापा जो कि अभी चल रहा है उनका तैयार होना, मम्मी और भाई तो हो ही चुका है। ये रहा कांगिया, ये रहा। मम्मी कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आएगा? मजा बहुत। जय माता दी, जय माता दी। हमारी पैकिंग भी हो चुकी है, बैग वैग सब रेडी है हमारा, और सारे बैग रेडी हो गए हैं, बस हमें निकलना है थोड़ी देर में। चुके हैं मामा के यहाँ पे, इन लोगों की भी पैकिंग पूरी हो चुकी है, ये रहा इन लोगों का बैग। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी देर रुक के हम लोग फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। उतर आ चुके हैं, बस अभी थोड़ी देर में कैब आने वाली है, फिर हम लोग सब रेलवे स्टेशन चलेंगे। निकल आ रहे हैं सब आ गए। गन्नू ओ गन्नू, कुछ ना, ठीक है। हम लोगों को थोड़ी देर हो गई निकलने में, और जाम भी बहुत लग रहा है, शाम का वक्त है। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, बस ट्रेन का इंतज़ार है। बहुत सारी भीड़ है, बहुत।
है, हमने बहुत संघर्ष किया है, हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। तो यहाँ पे हम बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पर बाद में ये पता चला कि हमारी ट्रेन तो कब की निकल चुकी है। पर हम लोगों ने भी हार नहीं मानी, बड़े दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोगों ने फिर आखिरकार कार बुक करी, तो इसी से ही कंटिन्यू करी। हम लोगों ने ठान ली थी हमें वैष्णो देवी जाना है तो जाना है, अब कुछ भी हो जाए। हमें चलते चलते पूरी रात हो चुकी थी, अब हो गई है सुबह और अभी हम चल रहे हैं पंजाब में। भगवान का शुक्र है हम लोगों को गाड़ी मिल गई थी, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था रेलवे स्टेशन से वापस घर आने का। तो अच्छा हुआ हम लोगों को गाड़ी मिल गई, हमारा सफ़र आगे कंटिन्यू हो रहा है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. अब हमें धीरे धीरे पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए हैं, जिससे हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। बस अब हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं। I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah. तो हम लोग जम्मू के अंदर एंटर हो चुके हैं और कुछ देर बाद कटरा में होंगे। Switching, you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ों को तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक घना बादल हो जो दिख रहा है। मतलब कि बहुत अच्छा नज़ारा था, मतलब कि आँखें देख के चमक उठी मेरी तो। मेरा मन तो ऐसे कर रहा था थोड़ी देर फ़ोन साइड में रखूं और बस इन पहाड़ों को देखती जाऊं, इस खूबसूरत नज़ारे को देखती जाऊं बस। यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा है ना, मैं आपको वर्ड में तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ, बहुत सुंदर है। Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. तो आखिरकार हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं अब, और थक भी चुके हैं काफ़ी। तो अभी हम अपने रूम में जाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर बाद में हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। Thank you.
बड़े लंबे सफ़र के बाद यहाँ पे अभी रूम में रेस्ट कर रहे हैं सारे लोग, और फिर बाद में हम लोग चढ़ाई के लिए यहाँ से निकलेंगे थोड़ा चाय पानी पी के। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं चढ़ाई के लिए, सब लोग रेडी हैं बिल्कुल अच्छे से फिट एंड फाइन। चलिए फिर चलते हैं, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तुमको भी देखना है दीदी जी। चाय पीने रुके, चाय पीने, ठीक है पापा, चाय पी। मम्मी कैसा लग रहा है, आखिरकार निकल ही गए हम चढ़ाई के लिए हैं। मम्मी का बहुत मन था चाय पी के बस निकलने वाले। मौसम भी बहुत अच्छा हो यार, हवा चल रही है इतनी बढ़िया बढ़िया, मन कर रहा है बस अब चलो। हाँ ये लोग तो सब नंगे पैर जा रहे हैं, हमने तो फिर भी जूते पहने हैं, इनका पता नहीं क्या श्रद्धा होती है अपनी। और मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मौसी कैसा लग रहा है? नानी जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जय माता की, जय माता की, अच्छा लग रहा है। गन्नू तो खुद वीडियो बना रहा है हमारी, है गन्नू? गन्नू ब्लॉग पर भाई सब बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश का समय हो रहा है, तो यहाँ पर ठंडे में और मजा आ रहा है। भीड़ है इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो बीच बीच में हम लोग रेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत थक रहे हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे माता रानी ने खड़े होके पीछे मुड़ के देखा था भैरव बाबा जी को, और यहाँ पे वीडियो बनाने से मना कर दिया था इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है अंदर से, बहुत ज़्यादा सुंदर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बहुत ऊंचाई पे हैं अभी। बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, पूरा शहर नज़र आ रहा है यहाँ पे। हम लोग इतना ऊपर चढ़ चुके हैं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं अभी हम, थोड़ा और ऊपर जाना बाकी है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, हम इतना ऊपर चढ़ चुके हैं पर थकान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हमें, बिल्कुल भी थके हुए नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, उनको देख के और जोश आ रहा है चढ़ने का, सब माता का जयकारा लगाते हुए चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बीच में खाना खाने के लिए रुके हैं, भूख भी लगने लग गई थी इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद। तो इस जगह था गर्व जून, पर यहाँ पे वो चीज़ ओपन नहीं थी इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए, वहाँ के दर्शन नहीं हो पाए हमारे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, आधे लोग तो यहीं पे सो रहे थे और आधे लोग ऊपर जाने के लिए कंटिन्यू कर रहे थे अपनी चढ़ाई, जैसे कि हम लोग भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं चढ़ाई, पूरी रात चढ़ेंगे हम भी। तो हमें काफ़ी देर हो चुकी है चढ़ते चढ़ते, आप टाइम भी देख सकते हैं 2:53 हो रहे हैं AM। तो हमें चढ़ते चढ़ते सुबह हो चुकी है, अब बहुत सुबह हो गई। तो आप यहाँ पे सुबह का सीन देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा पहाड़ इतने अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि वॉलपेपर में नहीं लगते वैसे लग रहे हैं बिल्कुल। अब पूरा दिन निकल चुका है और हम वैष्णो देवी के पास पहुँच चुके हैं, ऊपर से दिख भी रहा है मंदिर। अब थोड़ा सा चलना और है फिर हम माता के दर्शन करेंगे इतनी देर बाद। पर जब हम लोग नीचे गए तो हमें पता चला कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इस वजह से हम लोगों को फ़ोन बाहर ही छोड़ के जाना पड़ा, जिसके वजह से मैं फ़ोटो भी नहीं ले पाई ना वीडियो ले पाई वहाँ की। तो इसलिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, पर कोई नहीं, मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है, आप इसे देख के खुश हो जाइए। तो वैष्णो देवी से हमें आगे दर्शन करने जाना था भैरव बाबा जी का, तो उसकी भी बहुत ऊंची चढ़ाई थी जिसके वजह से यहाँ पे वो लिफ्ट सी लगी हुई है, हम इसके हेल्प से ऊपर जाएंगे दर्शन करने। तो हम लोग भैरव बाबा जी के चढ़ाई भी चढ़ गए हैं और हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं उस लिफ्ट की हेल्प से, पर यहाँ पे भी पता चला कि यहाँ पे भी फ़ोन ले जाना और वीडियो फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ की भी नहीं ले पाई।
तो हमारे सारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, हमने मंदिर भी देख लिया, पूरी जर्नी भी देख ली। अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली ट्रेन में बैठ के। इस बार की ट्रेन हमने नहीं छोड़ी, हमने टाइम टू टाइम अपना सब कुछ ध्यान रखा, इस बार बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करी टाइम। आई होप आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्ट आया होगा, आपने पूरी देखी होगी। तो मैं आपको फिर से वन मोर टाइम याद दिला देती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये पूरी जर्नी। और अगर आपको मेरी आर्ट की वीडियो भी अच्छी लगी है तो वहाँ पर भी जाके मुझे कमेंट जरूर कीजिए।